आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टोर्ड एनर्जी बॉडी में क्या स्टोर होगी जब लोडिंग एप्लीकेशन जो है अलग अलग मेथड से करेंगे। लोड हम लोग किसी भी बॉडी पे तीन तरह से लगाएंगे। पहला जो है वो है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, यानी कि धीरे धीरे आप लोड को बढ़ाएंगे। सेकंड में जो आएगा वो होगा सडन लोडिंग, और तीसरा टाइप जो है वो है सडन विथ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के साथ आप लोड लगा रहे हैं तब बॉडी में क्या स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी। स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, और ये बॉडी के रेजिस्टेंस के कारण बॉडी में जनरेट होती है। जब बॉडी इलास्टिक लिमिट में होती है तो वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है, और इस रेजिस्टेंस के प्रोसेस में उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, इसको कैपिटल यू से शो करते हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला देखा था वो था यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EAL। जो सिग्मा है वो होता है स्ट्रेस, ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर, और एल जो होता है वो लेंथ ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है जब आपने लोड लगाया है ग्रेजुअली। जब हम लोग अलग अलग तरह से लोड लगाते हैं तो मटेरियल में स्ट्रेस जो है वो अलग अलग लगता है। तो यहाँ पे यही देखना है। पहला केस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये मोस्ट कॉमन मेथड है लोड एप्लीकेशन का, और जनरली हम लोड इसी तरह से लगाते हैं जैसे कि वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रीज में आपकी जो क्रेन है वो जब किसी चीज़ के ऊपर सामान को अनलोड करती है तो वो सामान धीरे से लाके उस पर रखती है। तो ये है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसके अंदर जो लोडिंग है वो जीरो से स्टार्ट होगी और इंक्रीज होगी जब तक कि बॉडी पे फुल्ली लोडेड नहीं हो जाती, यानी कि पी लोड जो हमने मैक्सिमम लोड माना है वहाँ तक बॉडी लोडेड नहीं हो जाती है। आपके पास जो गिवन डेटा है वो है पी लोड अप्लाइड ग्रेजुअली, ये मैक्सिमम लोड है जो ग्रेजुअली आपने लगाया है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, एल जो है वो लेंथ ऑफ बार है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार मटेरियल है, और डेल्टा जो है डिफॉर्मेशन ऑफ बार है ड्यू टू लोड। एवरेज लोड जो है वो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि लोड शुरू में जीरो था और धीरे धीरे आपने मेंबर के ऊपर लोड इंक्रीज किया है तो मेंबर पे एवरेज लोड लेना पड़ेगा। एवरेज लोड होगा वो इनिशियल लोड प्लस फाइनल लोड अपॉन टू, यानी कि जीरो प्लस पी अपॉन टू इज द एवरेज लोड। अब वर्क डन जो होता है कार्य बॉडी के ऊपर, मेंबर के ऊपर क्या कार्य किया गया, यही कार्य जो है वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में मटेरियल में मेंबर में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन जो है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। इसीलिए वर्क डन की जो यूनिट आती है न्यूटन मीटर होती है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह एवरेज लोड लेंगे, और बॉडी जो है वो डिस्टेंस नहीं मूव कर ट्रेवल करती है, बॉडी में डिफॉर्मेशंस आते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज लोड इनटू डिफॉर्मेशन। एवरेज लोड जो है वो पी बाय टू है, और जो डिफॉर्मेशन जो आ रहा है बॉडी में वो आ रहा है डेल्टा एल। अब चेंज इन लेंथ को हम लोग स्ट्रेन और ओरिजिनल लेंथ के फॉर्म में लिख रहे हैं,
तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन विकृति इनटू लेंथ ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे मैंने ई एल लिख दिया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी बाय टू इनटू ई एल। पी जो है वो एवरेज लोड है, तो इसको मैंने स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना चाहा है, तो लोड अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो लोड जो हो गया वो हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो सिग्मा ए इनटू ई एल बाय टू। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन सिग्मा इनटू ई इनटू ए एल अपॉन टू इज द वर्क डन, यानी कि स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम अपॉन टू इज द वर्क डन। ई स्ट्रेन को आप, स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन कैपिटल ई, तो स्मॉल ई की जगह हमने सिग्मा अपॉन ई लिख दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई ए एल आ जाएगा। यही वर्क डन बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई ए एल, ये फॉर्मूला बन गया है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, तो आपको इसको याद करना है। सेकेंड केस में स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है बॉडी के अंदर जब लोड सडनली अप्लाइड किया गया है, इंस्टेंटेनियस लोड एप्लीकेशन है, लोड पी सडनली अप्लाइड लोड है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार है, एल लेंथ ऑफ द बार, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मेंबर, डेल्टा डिफॉर्मेशन ऑफ द बार और सिग्मा स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सडन लोड। इस केस में लोड सडनली अप्लाइड हो रहा है, इस कारण पी जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बार। जैसे कि आपने जो क्रेन से हम लोग कोई मेंबर कोई वेट आप अनलोड करते हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आपको अनलोड करना है, तो फर्स्ट केस में तो आपने उस मेंबर को धीरे धीरे रखा था, इस केस में आपने एकदम से वहाँ पे ले जाकर क्रेन को छोड़ दिया है, उसकी जिस चेन से वो लोड टाइट था क्रेन से उसको आपने रिलीज़ कर दिया है, तो जो लोड एप्लीकेशन है वो सडन है। तो इस केस में क्योंकि लोड एप्लीकेशन सडन है, तो जो पी अप्लाइड लोड है वो जीरो से एकदम से पी हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो जो फोर्स लेना है हमको लोड लेना है दैट विल बी पी ओनली। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू लोड इनटू डिफॉर्मेशन। यहाँ पे फोर्स की जगह लोड लिख लेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लोड की जगह हमने पी लिख दिया है, इनटू डिफॉर्मेशन जो है वो डेल्टा एल है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने अभी तक सीखा था वो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई इनटू ए एल। ये स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है ये इज इक्वल टू द वर्क डन, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई ए एल इज इक्वल टू पी इनटू डेल्टा एल। तो आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, तो पी इनटू डेल्टा एल, डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा, सिग्मा स्ट्रेस अपॉन कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एल। तो हमने डेल्टा एल की जगह सिग्मा एल अपॉन ई पुट किया। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हुए सिग्मा की वैल्यू निकाली, सिग्मा जो है स्ट्रेस है 2p अपॉन a। जब आप एकदम से किसी चीज़ पे सडन लोड एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें मटेरियल में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो ट्वाइस
द स्ट्रेस जनरेटेड व्हेन यू आर अप्लाइंग लोड ग्रेजुअली। ग्रेजुअल एप्लीकेशन में जो सिग्मा आएगा, स्ट्रेस आएगा, वो पी अपॉन ए है। सडन लोडिंग में जो स्ट्रेस आएगा वो होगा 2p अपॉन ए। अब थर्ड केस में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड विथ इम्पैक्ट। तो इस केस में ये एक बार दी हुई है, इसके जो लोअर मेंबर है इस पे आपका लोड एप्लीकेशन होगा, लेकिन जो लोड लग रहा है वो इम्पैक्ट से लग रहा है। पी जो है वो लोड अप्लाइड विथ इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट मतलब आपने हाइट से लोड को छोड़ दिया है, तो उसके कारण जिस मेंबर पे लोड आके टकराएगा उसमें दो इफेक्ट्स आ जाएंगे। एक उसका जो हाइट के कारण लोड में जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है वो, और दूसरा उसके खुद का जो डिफॉर्मेशन के कारण एनर्जी उसमें आएगी। तो पी इज द लोड अप्लाइड विथ इम्पैक्ट। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार मटेरियल है। एल लेंथ ऑफ द बार। डेल्टा एल जो है वो डिफॉर्मेशन ऑफ द बार है। सिग्मा जो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड विथ इम्पैक्ट। एच जो है वो हाइट थ्रू विच द लोड विल फॉल बिफोर इम्पैक्टिंग ऑन द कॉलर ऑफ द बार। वर्क डन जो होता है, अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड। यहाँ पे जो लोड है वो तो पी है। अब लोड ने कितना डिस्टेंस चला है वो है एच प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है वो डिस्टेंस, वो डिफॉर्मेशन के कारण डिस्टेंस लोड ने जो चला वो आ जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है मटेरियल में वो तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EAL हो रही है, तो दैट स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन जो है वो पी एच प्लस डेल्टा एल है। डेल्टा एल की जगह हम लोग सिग्मा एल अपॉन ई लिखेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EAL इज इक्वल टू पी एच प्लस पी सिग्मा एल अपॉन ई। सिग्मा वाले टर्म्स को एक साथ ले तो सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन 2E माइनस सिग्मा पी एल अपॉन ई माइनस पी एच इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे ई अपॉन ए एल से, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सिग्मा पी अपॉन ए माइनस पी एच ई अपॉन ए एल। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिग्मा के अंदर सिग्मा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी बाय ए का स्क्वायर माइनस, और माइनस हमारा जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे जो सी है वो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4ac तो 4 इंटू 2 1 बाय 2 है, तो ये 2 हो जाएगा 2PHE अपॉन AL ये आ जाएगा। इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P अपॉन A प्लस माइनस P अपॉन A को कॉमन ले लिया, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2AEH अपॉन PL। अगर डेल्टा H के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, यानी कि जो डिफॉर्मेशन मेंबर में आ रहा है अगर वो बहुत कम है, अगर फॉलिंग हाइट बहुत ज़्यादा आपने ले ली है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EAL जो ये वैल्यू है स्ट्रेन एनर्जी, इसको हम इक्वेट कर रहे हैं वर्क डन से,
वर्क डन की जो फॉर्मूला है वो होता है पी एच प्लस डेल्टा एल। अब डेल्टा एल क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको हम लोग लिख देंगे पी इंटू एच, तो सिग्मा का जो फॉर्मूला बन गया वो है 2PHE अपॉन AL अंडर रूट। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपको अगर डेल्टा की वैल्यू कम है एच के कंपैरिजन में तो आपको ये फॉर्मूला लेना है, नहीं तो हमारा जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है वो ये है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी बाई ए का स्क्वायर प्लस 2PHE अपॉन ए एल।